हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं हरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, मॉर्निंग न्यूज में आज मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट खबरें बताने वाला हूं। सबसे पहले एनवीएस में वैकेंसीज निकली है, इसके बाद दिल्ली के अंदर भी टीचिंग पोस्ट निकली है, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पे सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। सभी के माइंड में क्वेश्चन है कि केवीएस की फाइनल आंसर की कब आएंगे, मतलब केवीएस की आंसर की, पीआरटी के जो एग्जाम हुए और भी पोस्ट के एग्जाम हुए, तो उनकी आंसर की कब आएगी। हालांकि आपको पता है कि जो पीआरटी म्यूजिक है और लाइब्रेरियन है, उनकी आंसर की भी आ चुकी है और उनकी कट ऑफ भी आ चुकी है इंटरव्यू के लिए। तो जो साथी इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं, इंटरव्यू के लिए जिनका इंटरव्यू है जल्दी, उन सभी को शुभकामनाएं। इसके बाद साथियों, बता देना चाहता हूं, जो सोर्सेस से बात हुई है उसके अकॉर्डिंग जो पीआरटी की आंसर की है या और पोस्ट है उनकी आंसर की है, उनमें थोड़ा टाइम और लग सकता है। आप समझे कि 15 और 20 के बीच में आंसर की आ जाएंगी, आपकी 15 टू 20 इसके बीच में आंसर की आ जाएंगी। तो आप घबराएं नहीं, जल्दी ही आंसर की आने वाली है। तो 15 टू 20 के बीच में ये आंसर की आ जाएंगी। इसके बाद साथियों, दूसरी खबर है एमसीडी पीआरटी की। तो काफी साथियों के क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि मैं उनको पहले बता चुका हूं कि एमसीडी पीआरटी, एमसीडी में जो और टीजीटी के, पीजीटी के, एनटीटी के जो एग्जाम हुए, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने आप लोगों को बार बार ये बताया है, और सबसे पहले स्पेशल वालों का रिजल्ट आने वाला है। हालांकि मैंने स्पेशल वालों की एक वीडियो डाली थी कल, तो काफी साथी उससे नाराज है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं। अगर आपको वो चीजें गलत लगी तो मैं माफी चाहता हूं, और ये नहीं है कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं उसमें। तो सबसे पहले स्पेशल वालों का रिजल्ट आ रहा है, और इसके बाद जो स्पेशल का रिजल्ट आने के बाद फिर पीजीटी के तो चल ही रहे हैं, फिर टीजीटी के आएंगे, फिर पीआरटी वगैरह, एनटीटी जो भी अदर पोस्ट है उनका रिजल्ट आ रहा है। तो साथियों, आप टेंशन ना लें। इसके बाद दिल्ली के अंदर शिक्षकों की नई वैकेंसी आई है, और बता देना चाहता हूं कि ये चीजें आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और मुझे कल इनके बारे में कंफर्म हुआ, पता चला, और इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप वीडियोज में जाके पुरानी जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं, और 14 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और साथियों, ज्यादा जानकारी के लिए, जितनी जानकारी मुझे मिल पाई मैंने आप लोगों को बता दी, ज्यादा जानकारी के लिए आप उनके कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपने लेवल से पूरी कोशिश करी, जितनी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल थी वो चीजें मैंने आपको बता दी। मेरा काम ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से बना बना के मैं आपको देता रहूं कि ये क्वालिफिकेशन है, ये चीज है। आप सारी जानकारी वहां पे आराम से पूछ सकते हैं। हालांकि दिन में मैं भी कॉल कर लूंगा, मैं भी कन्फर्म कर लूंगा, लेकिन आप लोग भी अपनी तसल्ली के लिए कन्फर्म कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, एक क्वेश्चन और है। कल मैंने मॉर्निंग में एक पेज देखा था जिसमें एनवीएस जो नवोदया स्कूल है उनकी वैकेंसीज लिखी हुई थी, जिसमें प्रिंसिपल की भी है और टीजीटी के भी है। इसके बाद काफी साथियों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि क्या नवोदया स्कूल है जो, उसमें पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आएंगे। तो साथियों, उसमें पीआरटी की वैकेंसीज नहीं होती। पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर, जो एक से पांचवी क्लास तक होता है, जेबीटी होल्डर होता है जो। तो पीआरटी टीचर की उसमें वैकेंसीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नवोदया स्कूल है जो, वो स्टार्ट होते हैं सिक्स्थ क्लास से वो स्टार्ट होते हैं, तो उसमें पीआरटी की कोई वैकेंसी होती ही नहीं है। तो पीआरटी की उसमें वैकेंसीज नहीं है, टीजीटी की वैकेंसीज है और प्रिंसिपल है उनकी वैकेंसीज है, और कुछ अन्य पोस्ट भी हैं उसमें। तो ज्यादा जानकारी मुझे मिलते ही, अब क्योंकि अभी ऑफिस
ऑफिशियल साइट है जो उस पे अभी ऐसा कोई न्यूज नहीं है, ऐसी कोई न्यूज नहीं है। ऑफिशियल साइट पे न्यूज आते ही मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा। हालांकि ये चीजें जेन्युइन है, वैकेंसीज आने वाली हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इसके बाद साथियों, मैं सभी साथियों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन जितना मुझ पे पॉसिबल हो पा रहा है मैं सभी का रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिन साथियों को रिप्लाई नहीं मिल रहा है वो प्लीज दुखी ना हो, और संडे को हमारा एक प्रोग्राम होता है, कमेंट्स उसमें पढ़े जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स होते हैं, तो उसमें जो आपके मेन मेन क्वेश्चन है वो मैं उठाने की कोशिश करता हूं कि सभी तक आंसर पहुंच पाए। लेकिन साथियों, आपके कमेंट्स बहुत सारे होते हैं और मैं अकेला बंदा और मेरे पास और भी काम होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी के रिप्लाई में कर पाऊं। और आप प्लीज दुखी ना हो, इसलिए अगर किसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकता है। तो ये नहीं है कि अगर आपका कमेंट में रिप्लाई नहीं मिल पाया तो आप पर्सनली मैसेज करें, और उसका क्या है कि बहुत जल्दी आंसर आपको मिल जाएगा, एक दो घंटे के अंदर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और आप हमारी जो ये न्यू सीरीज है मॉर्निंग न्यूज, इसे बिल्कुल पसंद करेंगे। और साथियों, अभी आप लाइक्स में बहुत कटौती कर रहे हैं, आप लाइक बहुत कम करके जा रहे हैं, तो आज इस वीडियो पे आपको बहुत सारे लाइक देने हैं। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।